फिर इस प्रोसेसर को बनाने के लिए आप लोग बोतल का ढक्कन में कुछ इस तरह से छेद कर लेना, उसके बाद इसमें एक मोटर को लगा के उसमें स्विच को लगा देना है, उसके बाद एक प्लास्टिक को भी लगा के उसको कुछ इस तरह से पंखे बना लेना है। पंखे बनाने के बाद उसके बाद आप लोगों को एक और ढक्कन लेना है, उस ढक्कन को लेने के बाद आप लोगों को उसमें कुछ इस तरह से छेद कर लेना, छेद करने के बाद उसको भी लगा देना, उसके बाद उसमें एक जाली को भी लगा देना है, उसके बाद एक बोतल लेना उसके ऊपर हिस्से को कुछ इस तरह से काट के इसमें लगा देना है, उसके बाद एक कैप को लगा के उसमें कुछ इस तरह से पाइप को चिपका देना है, उसके बाद रेडी हो जाएगा। लेकिन उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो रेडी होने के बाद आप लोगों का शानदार सा मिनी वैक्यूम क्लीनर बनके तैयार हो जाएगा, जो कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह से बना के दिखा सकते हैं।